चैत्र नवरात्र से लेकर शारदीय नवरात्रि तक प्रयागराज के तीन प्रमुख माँ कल्याणी देवी, माँ ललिता देवी और अलोप संकरी मंदिर में मत्था टेकने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। लेकिन खासतौर पर चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों और दिव्यांगों को माता रानी के दर्शन मुश्किल से ही हो पाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बड़े बुजुर्गों और दिव्यांग जनों या बाहर रहने वालों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनके लिए माता रानी का दर्शन करना बेहद आसान हो गया है। जो भक्त माँ कल्याणी का दर्शन नहीं कर पाते थे, अब वो ऑनलाइन के जरिए माँ कल्याणी का दर्शन कर सकते हैं। प्रयागराज में स्थित तीन प्रमुख मंदिरों में से एक शक्तिपीठ माँ कल्याणी देवी मंदिर अपने आधुनिक स्वरूप के साथ माता रानी के दरबार को पूरी तरह से हाईटेक कर दिया है। आपको बता दें कि अब माँ कल्याणी का दर्शन वेबसाइट के जरिए भी किया जा सकता है, जहाँ पर माता रानी के श्रृंगार से लेकर आरती और इतिहास की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऑनलाइन प्रसाद और माँ कल्याणी के दर्शन की सुविधा भक्तों को आसानी से मिल सकेगी। प्रयाग में माँ कल्याणी का शक्तिपीठ है, जो 51 पीठों में से एक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, तंत्र चूड़ामणि आदि ग्रंथों में इनका उल्लेख है। ये वास्तविक में ललिता शक्तिपीठ है, माँ कल्याणी के नाम से विख्यात हैं। इनके दर्शन पूजन से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ऑनलाइन माँ कल्याणी .. वेबसाइट है, उसके द्वारा जो भक्त माँ को दर्शन नहीं कर सकते या कुछ करना चाहते हैं, उसके द्वारा वो मंदिर से संपर्क करते हैं, उनकी पूजा पाठ आदि भी हो जाएगा। जिन भक्तों को माँ कल्याणी का नवरात्र में पूजन अनुष्ठान पाठ दुर्गा सप्तशती का जो नहीं आ सकते या दूर हैं, वो ऑनलाइन अपना संकल्प करके माँ का पूजा अनुष्ठान मंदिर व्यवस्था के द्वारा कराते हैं। वर्ष भर में भी जब जिसकी आवश्यकता होती है किसी प्रकार के सनातन धर्मी धार्मिक कार्यक्रम की, वो अपना ऑनलाइन संपर्क करते हैं। संकल्प होता है उनका, ब्राह्मणों के द्वारा उनका पूजन संपादित होता है, फिर कुरियर के द्वारा उनको प्रसाद इत्यादि भेज दिया जाता है। उद्देश्य बस मेन यही है ना कि बहुत से भक्त श्रद्धा रखते हैं और नहीं आ पाते। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कुछ विदेश में हैं, हाँ, अब वो नहीं आ पाते। ऐसे लोग दिल्ली में हैं, कुछ भक्त कलकत्ता में हैं, बम्बई में हैं, अब वो नहीं आ सकते। कभी आते हैं, दो चार साल में आए दर्शन किए, तो उनकी अपनी श्रद्धा है पूजा कराने की या कोई उनका अनुष्ठान इत्यादि कराने की, तो वो संपर्क करते हैं, उनका ब्राह्मणों के द्वारा करा दिया जाता है मंदिर व्यवस्था में। भक्तों को जो सुविधाएं मिलेगी, नवरात्र में मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने का समय, प्रतिदिन होने वाले श्रृंगार की आरती का वीडियो, ऑनलाइन प्रसाद मंगवाने की व्यवस्था, साल भर परिसर में होने वाले आयोजनों का विवरण, जो भक्त बाहर रहते हैं या यहाँ तक नहीं आ पाते वो भी घर से पूजा पाठ करा सकते हैं।